डॉक्टरों ने 3 महीने का टाइम दिए, इस ओके गुजार लिए तो ठीक है, नहीं गुजार पाए तो मेरे जनाजे पे भी ना आना। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मैं तानिया, जो कभी 22 साल आवाज़ नहीं निकाल पाई, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। बॉबी कॉलिन क्रिस्टोफर के साथ 2001 में मेरा निकाह हुआ। पापा भी जिंदा थे, सब थे, अच्छी लाइफ चल रही थी। मैं ये नहीं कहती कि इतनी गंदी लाइफ, क्योंकि मेरे पापा ने ही शादी का खर्चा उठाया, मेरे पापा ने हर चीज़ की, मेरे पापा ने सुई धागे तक दिया मुझे, मेरा पापा हर चीज़ करता रहा एंड तक। और इनका रवैया ससुराल वालों का बहुत गंदा है। मेरी जबकि सगी पप्पी है और मेरे कज़न के साथ शादी हुई, जो हस्बैंड मेरे आंखों में आंसू नहीं देखता था, मिलके उनके साथ तमाशबीनी की, डंडे मार लेना, पुलिस को बुला लेना, हमारे बिस्तरे जला देना, हर चीज़ में इन्होंने मुझे तकलीफ़ और अज़ियत दी है। आज आप सब सुने कि मुझे क्यों मारता था, क्योंकि मेरा बाप जब पैसे नहीं भेजता था इसलिए मारता था। आज कहते हैं कि तो चूड़ी खानदान से, जिन्होंने मुझे देखा है और कहते हैं कि मैं ऐसी लगती हूँ तो मैं चीज़ चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं इन्होंने, मेरे साथ बहुत तकलीफ़ अजियत दी और मैं जानबूझ के अपने ऊपर अजियत से बहुत तकलीफ़ से अजियत से और अभी तक सह रही हूँ। मेरे से दूर इसलिए हुए कि मैं बेटा नहीं दे सकी। मेरी ये दोनों मन्नत की मानी हुई बेटियाँ और मैं बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। इनको मेरे पापा ने और मैंने बड़ी मेहनत से पाला है, इन उम्र तक ले आई हूँ मैं, लेकिन मेरी इतनी ज़िंदगी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे पास बहुत तशद्दुद किया है। निकलने नहीं देते थे, घसीटते थे, वहाँ गुजारा ऐसे जो हैं उनको बुलवाते थे, उनकी सप्तैन आती थी उठा के घर से ले जाना, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कत्ल कर दिया। इन्होंने इतना जाती आके दरवाजे बंद करके इतना मारना सहा मैंने। मेरा पापा इसी गम में गए कि मेरे पापा ने बहुत टेंशन ली हुई थी मेरी कि मेरी बेटी को क्यों मारता है इतना, पूरी बिल्डिंग पूछती थी क्यों मारता है। एक दिन सामने आई गया कि शराब पी के आया है, तमाश मेरी की है, रोटियां शराब पे की है, खाने को फेंकना। ये था कि इन लोग ने मेरे पर इसलिए इस तरह की हरकतें की कि मैं बेटा नहीं दे सकी। क्या है, बेटों से ज़्यादा अच्छी तो बेटी है। मेरे बेटे एक्सपायर हुए, इन लोग ने उसको कदर नहीं की, उसको ये काम नहीं कर सकता था कि मैं अपने बच्चों की खातिर काम कर लूँ। मेरी बेटी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं पे 4 बेटों को खो चुकी हूँ, जो कि 2 लाहौर में दफन है, 2 कराची में दफन है। आखिरकार इतना तशद्दुद मेरे पर किया गया कि कौन सी ऐसी जगह है जो मेरी जगह सही हो। हाथों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, टांगों पे इतना मारा हुआ है,
अब मेरी वो कंडीशन है कि इतना सोच सोच के कि इसने मेरे साथ तो मदद किया है इसी 3 बेटी के साथ, लेकिन मेरी इन अपनी बेटियों को भी घसीट गया सिर्फ एक शादी करने के लिए। शादी करना चाहता था कर, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, प्यार की कसर नहीं थी। मैंने आज तो तुम लोग भी कभी उंगली नहीं उठाई। आज पिंकी, शामिल, रूमी, जूबी आए हुए, सुन ले, अजियत में हो, तकलीफ में हो, अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहूंगी। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, उसकी लाठी में आवाज है। जिससे हम लोगों पे काम है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। लेकिन वो भी तू नहीं तो सोचता ना, इनका कोई भी नहीं है। क्या कमी थी बच्चों के प्यार में और मेरे में, जो सारा सारा दिन घर नहीं आना, हर बात पे झूठ बोलना। क्या तुम लोगों को मैंने तकलीफ दी? कुछ नहीं। जिसे इतना प्यार करने के बावजूद भी अभी भी मैं तेरा ही सोचती, अगर इतना होती ना तो मैं भी शादी करके बैठ जाती। लेकिन मुझे हमेशा तेरे और अपने दरमियान में फर्क रखने हैं। वो भी जमीन आसमान का फर्क रखने है। तेरी सोच की वजह से आज ये मेरी हालत है, तेरे मारने की वजह से आज ये मेरी हालत है। मैं इतना बोल भी नहीं सकती, खींच चुकी हूँ। आए दिन हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हूँ, डॉक्टरों ने 3 महीने का टाइम दिया। इस ओके गुजार लिए तो ठीक है, नहीं गुजार पाए तो मेरे जनाजे में भी आना। आप देख रहे होंगे सब, घर भी आपके सामने है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत से चीज़ें चोरी हो गई, लोगों ने भी इस पे भी फ़ायदा उठाया। मैं बिल्कुल बेकार नकारा आज कहती हूँ अपने आप को, हुई हुई हूँ। लेकिन मेरी इन दो बेटियों के लिए कौन करेगा, क्या करेगा? कोई एक दफ़ा कर देगा, दो दफ़ा कर देगा, तीसरी दफ़ा कहेगा जाओ यहाँ से, इस 22 करोड़ में से मेरी मदद करें। अगर एक एक रुपये भी जोड़ें 22 करोड़ आबादी में से, तो शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, शायद मैं अपने छोटा मोटा कारोबार को खोल के मैं अपना घर का सर्कल चला सकूं। आप लोग से ये इल्तिमास होगी, मैं जानती हूँ आवाम सुनेगी, आवाम करेगी भी, लेकिन प्लीज़ मेरे से शादी की डिमांड कोई नहीं करे, मेरे बच्चों की शादी की डिमांड कोई नहीं करे। बस आप लोग को इतने ही कहूँगी, और आपसे उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया।